उज्जैन की क्षिप्रा नदी में हो रहे दूषित पानी से भक्तों को स्नान करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्षिप्रा के किनारे कई प्रमुख मंदिर और कई प्रमुख घाट है जहां पर भक्त पूजा और स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन क्षिप्रा में खान नदी का गंदा पानी मिल रहा है और क्षिप्रा दूषित हो रही है। भाजपा सरकार ने खान ड्राइवर सन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया खर्च कर खान नदी का गंदा पानी क्षिप्रा में मिलने से रोकने को लेकर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन समस्या कायम है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इसमें जमकर घोटाला किया है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन को पत्र सौंपकर मांग की कि क्षिप्रा को दूषित होने से बचाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खान ड्राइवर्सन में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, 26 किलोमीटर में पूरे खान ड्राइवर्सन में पानी जा नहीं रहा है, लाइन बंद पड़ी हुई है और गंदा पानी जो है वो क्षिप्रा में मिल रहा है। क्या होना था और किस प्रकार से चाहे थे तो इसका सदुपयोग नहर के माध्यम से किया जा सकता था और किस प्रकार से क्या हो सकता था? देखिए, उज्जैन शहर में विगत कई वर्षों से खान डाइवर्सन का काम चल रहा है। अभी खान डाइवर्सन पिछले सीस्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, चलते सीस्ट में खान डाइवर्सन का काम उज्जैन शहर में चला। 26 किलोमीटर की रेंज वाला यह खान डाइवर्सन आज की तारीख में पूर्णतः फेल हो चुका है। इसलिए फेल हो चुका है कि मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे जो अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और बड़े अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। खान डाइवर्सन के कारण आज भी कई खान डाइवर्सन का जो एरिया जहाँ से वो प्रमुख चौराहे से निकल के खान डाइवर्सन गया है, वहाँ पर खान डाइवर्सन का गड्ढा बैठ जाता है। उस गड्ढे के बैठने के कारण कई एक्सीडेंट हुए। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, बामोरा में भी एक चौकी गांव के चौकीदार के पुत्र के बेटे की एक्सीडेंट में कुचलकर मौत हो गई और बंडगर रोड पर भी कई हादसे हुए हैं और कालिदा महल के इधर भी कई हादसे हुए हैं। मेरा इस विषय में ये मानना है कि मध्य प्रदेश में बैठी शिवराज सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी आपको बता रहे हैं वो गलत हैं और आपको सुध लेनी पड़ेगी और खान डाइवर्सन की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि खान डाइवर्सन एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर इसको अंडरग्राउंड ना करते हुए अगर इसको ओपनली किया जाता, इसको खुला रखा जाता और इस 26 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी किसान भाई आते हैं उनसे एग्रीमेंट सरकार करती, दो पैसा सरकार को प्राप्त होता और वो पानी उन्हें सप्लाई देती, इससे राजस्व की बढ़ोतरी होती। पर अंडरग्राउंड पाइप देने के कारण पाइप आज की तारीख में पूरा चौक पड़ा है और माँ क्षिप्रा नदी के अंदर खान डाइवर्सन का गंदा पानी मिल रहा है और यह बहुत ही गलत है। इस हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 12 साल में एक बार सीएस भराता है। माँ क्षिप्रा आज भी खान डाइवर्सन के पानी के कारण दूषित पड़ी है और गंदा पानी माँ क्षिप्रा में मिल रहा है। अभी कल ही सोमती अम्माओं से हजारों श्रद्धालु पूरे देश से ग्रामीण क्षेत्रों से माँ क्षिप्रा के अंदर स्नान करना आते हैं और ऐसे में गंदे पानी में स्नान करेगा, जनता स्नान करेगी, माता बहने स्नान करेगी, तो ये धर्म के खिलाफ है और बस यही कहना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।